कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान। भगवान के मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार मुनि जन जाकी आस करी जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी सुख संपत्ति सब ही घर आवे जो भविजन। उनके पूर्वभव के जीवन के साथ चल रही है। आनंद मुनि महाराज अपने आनंद में हैं और उन्हीं के आनंद को हम थोड़ा थोड़ा सा खींच रहे हैं, ले रहे हैं, उन्हीं से हम भी आनंद में जीना सीख रहे हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान ने अपने पूर्व जीवन में भी आनंद से जीवन जिया है, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म होता है उस व्यक्ति का जीवन आनंदमय ही होता है। ऐसे आनंद मुनि महाराज के अंतर जो 10 धर्मों का भाव चल रहा है उसी भाव को हम आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 67 पर 143 नंबर का एक छंद है जिसमें कल तो हमने संयम और तप के बारे में पढ़ा था, आज हम थोड़ा सा त्याग अकिंचन और ब्रह्मचर्य की परिभाषा भी फिर से पढ़ते हैं। संयम धारी व्रति प्रधान दीजे चौविध उत्तम दान तथा दुष्ट विकल्प परिहार त्याग धर्म बहु सुख दाता। बाहिज परिग्रह को परित्याग अंतर ममता रहे न लाग आकिंचन यह धर्म महान शिव पद दायक निश्चे जान। बड़ी नारी जननी समझान लघु पुत्री सम बहिन बखान तजी विकार मन बर तेजे ब्रह्मचर्य परिपूरन। यह 3 धर्म और हैं जो 10 धर्मों के अंतर्गत ही आते हैं। त्याग धर्म जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि त्याग की महिमा दान के साथ भी होती है और त्याग की महिमा अपने पास में जो कुछ भी है तन मन धन उसके छोड़ने के साथ भी होती है। इस त्याग की महिमा के कारण से ही यह त्याग भी हमारी आत्मा का एक धर्म बन जाता है और यह धर्म आत्मा का इसलिए होता है क्योंकि जो धर्म है वह कभी भी छोड़ा नहीं जाता। आचार्य अकलंग देव ने राजवार्तिक में एक बहुत अच्छा वार्तिक लिखा है, अहेयत्वात् स्वधर्मस्य, जो हमारा अपना स्वधर्म है वो कभी भी अहेय होता है, हेय नहीं होता है। हेय का मतलब जो छूट जाए वो हेय है और जो कभी भी ना छूटे जो हमेशा अपने पास में रहे वो अहेय होता है। तो हमारा अपना जो धर्म है वो हमेशा हमारे लिए
अहेय है, हेज नहीं है। त्याग अगर हमारा धर्म है तो वह त्याग भी हमारे अंतरंग का हमेशा एक आभूषण है, जो हमेशा अपने अंतरंग में धारण करने योग्य है। उस त्याग को ही हम अगर धारण कर लेते हैं तो वह त्याग ही हमारा धर्म बन जाता है। ग्रहण करना हमारा धर्म नहीं है, त्याग करना हमारा धर्म है। सुन रहे हैं आप लोग? क्या सुन रहे हैं? ग्रहण करना हमारा धर्म नहीं है, त्याग करना हमारा धर्म है। अब आप सोचें कि आप क्या ज्यादा करते हैं, ग्रहण ज्यादा करते हैं कि त्याग ज्यादा करते हैं? आप किन किन चीजों का ग्रहण करते हैं, और जिन चीजों का ग्रहण करते हैं उसके लिए कभी आपको त्याग करना भी पड़ता है कि केवल ग्रहण 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 ही करते चले जाते हैं? क्या ग्रहण करते हैं आप? सबसे पहले जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ग्रहण धर्म का स्वीकार करते हैं कि पहले त्याग धर्म स्वीकार करते हैं? हंस रहे हैं लोग, मतलब समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले भारतीय संस्कृति में कौन सा धर्म कहा गया? सबसे पहले क्या धर्म कहा गया? त्याग धर्म कहा गया, ग्रहण नहीं होता। ये हमें भारतीय संस्कृति में सिखाया गया, सबसे पहले उठे हो तो अपना मुंह साफ करो, अपना पेट साफ करो, अपने अंदर जो गंदगी है उसको पहले साफ करो। लेकिन इस पंचम काल के भले आत्माएं क्या कहें इनकी बातें, त्याग धर्म को तो इन्होंने कोसों दूर छोड़ रखा है। रात में भी त्याग नहीं होता, सुबह उठने के बाद भी त्याग नहीं होता, और त्याग तो बाद में, पहले क्या चाहिए? पहले बैड टी चाहिए। ये शब्द ही कहां से आया, बैड टी, है ना? अब वो बेड पर ही पड़े पड़े बैड टी चाहिए, यही सबसे बैड चीज है। और ये आपके लिए सबसे पहले आ गई, आपने पहले ग्रहण कर लिया और आप उस ग्रहण को भी आसक्ति के साथ ग्रहण कर रहे हैं, शौक के साथ ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके लिए सबसे पहला सुबह सुबह का एक अमंगल है। अब इस अमंगल के साथ आप चले तो फिर आपके अंदर कभी भी त्याग धर्म की महिमा समझ में नहीं आ सकती। हमने जो ग्रहण किया है उसे छोड़ना ही त्याग होता है, और त्याग होने के बाद में जो हमें भीतर से एक रिलीफ मिलता है उसका नाम ही अकिंचन धर्म होता है। क्या सुना? कुछ नई बातें बता रहा हूं। दस लक्षण धर्म के दिनों में जो बातें थी वो अलग थी, अभी की जो बातें हैं वो आपके पुण्य से कुछ अलग आ रही हैं। त्याग के बाद में जो आपको रिलीफ मिलता है उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन, मतलब निश्चिंतता का भाव। भीतर भी कुछ नहीं, बाहर भी कुछ नहीं, जो हम उस समय पर जो भीतर और बाहर एक खालीपन महसूस करते हैं, वो खालीपन अपने आप में हमें बहुत शक्ति देने वाला और बहुत शांति देने वाला होता है। सुन रहे? इसलिए जो भी मंगल कार्य होते हैं ज्यादातर आपको सुबह सुबह करने को कहे जाते हैं। प्रवचन सुनना है तो कब? सुबह सुबह आइए। भगवान के दर्शन करना है तो कब? सुबह सुबह कीजिए। भगवान की पूजा करना है तो कब? सुबह सुबह कीजिए। अपने ऑफिस में जाना है तो कब? सुबह सुबह जाइए। अच्छा, अपने को कुछ पाठ याद करना है तो कब? सुबह सुबह कीजिए। बाद में भी करते रहिए लेकिन सुबह जरूर कर लीजिए। सुबह अगर आपने अच्छे ढंग से ये कार्य कर लिए तो सुबह के ये कार्य आपको बहुत अच्छी ऊर्जा देने वाले होते हैं और आपके मानस को भी प्रसन्न करने वाले होते हैं, क्योंकि उस समय पर आपके पास
क्या होता है? त्याग धर्म होता है। ग्रहण धर्म, आपने ग्रहण को धर्म ही क्यों कहें? ग्रहण तो धर्म है ही कहां। अगर त्याग धर्म हो गया तो फिर ग्रहण करना अधर्म हो गया। तो त्याग हमारा धर्म है और ग्रहण करना अधर्म है। और अगर हम उस ग्रहण त्याग की प्रक्रिया को समायोजित करते रहते हैं, समीचीन ढंग से चलाते रहते हैं, तो हमारा जीवन भी सही ढंग से चलता रहता है। जब हमने सुबह सुबह त्याग धर्म के साथ में कुछ घंटे बिताए और हम अकिंचन होकर के कुछ समय तक रहे, तो वही हमारे लिए सबसे अच्छा समय होता है। जब हमने कुछ ग्रहण नहीं किया होता है, हम मंदिर आते हैं तो कैसे आते हैं? चाय पी करके, दूध नाश्ता करके? बोलो तो, पूछ लें पहले यहां से कि हम अपनी धारणा से कुछ बोलते रहे, आजकल जमाना बदल गया है। क्यों? सब लोग यहां आए हो, कितने लोग थोड़ा थोड़ा सा हल्का ब्रेकफास्ट करके आए हो? क्यों, हाथ उठाना, थोड़ा देख तो ले। चाय पी के आए? चाय ब्रेकफास्ट में नहीं आता? अच्छा, तो सबको बैठ टी की आदत पड़ी हुई है, इसका मतलब ये है। कितने लोग अच्छे चाय पी के आए, हाथ उठाना, थोड़ा दिखा दो, हमें भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, कहीं ना कहीं लोग इस भाव के साथ में तो रहते ही हैं कि हम अगर उपदेश सुनने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, हमें बहुत देर हो जाएगी, इतनी देर तक हम कैसे रहेंगे, कम से कम एक चाय तो लेकर के चलें, है ना। अब देखो, आपको अपने संयम में वृद्धि करनी चाहिए, करनी चाहिए थी कि नहीं? एक तो वो आदत होती है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारी आदतों में भी एक परिवर्तन आता है। जब हमारे सामने कोई नए प्रयोजन आते हैं, कुछ उद्देश्य आते हैं, और हम समझते हैं कि अगर आपके लिए यह एक सौभाग्य मिला है 6-7 दिन का, महावीर नगर वालों को विशेष रूप से, तो आपको यह एक पर्व के रूप में देखना चाहिए कि यह हमारे लिए ऐसा उत्सव है जैसे पर्वों में उत्सव होता है। क्यों, ऐसा देख सकते हो आप लोग? देख रहे हो? हाँ, तो देख रहे हो तो थोड़ा सा अपने मन के अंदर यह भाव लाना चाहिए, जब तक मुनि महाराज यहां है, जब तक हम उनके प्रवचन सुनने जाएंगे, तब तक हम अपनी पुरानी आदतों को थोड़ा सा बदल करके, अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। और हम अगर यहां पर आने के पहले चाय लेकर के आते थे, और भी कुछ बिस्किट चलता है, पार्ले जी और ब्रेड भी चलती होगी फिर? कितने लोग ब्रेड खाते? थोड़ा हाथ उठाना, थोड़ा देख तो लो, तुम शर्माओ नहीं मेरे सामने। हाँ, बस तुम्हें सावासी दूंगा मैं, कोई दिक्कत बात नहीं। हाँ, हाथ उठाना, कितने लोग ब्रेड खाते? थोड़ा उतावर तो हाथ उठाओ, कोई कैमरा तुम्हारी तरफ नहीं घूम रहा, सिर्फ मेरी आंखें और कुछ नहीं है। मतलब खाते हैं, है ना, ब्रेड भी है, बिस्कुट भी है, टोस्ट भी है, फिर थोड़ा समोसा जलेबी भी चल जाती। अगर ये सब होने के बाद आप प्रवचन सुनने आते हैं, दर्शन करने आते हैं भगवान के, तो आपके लिए कम से कम इन 5 दिनों के अंदर एक ऐसा संयम का भाव आना चाहिए कि हम कम से कम 2-5 दिन का तो एक संयम अपने लिए बढ़ाने की कोशिश करें। कर सकते हो? पहले पूछ तो लूं, क्या करना है आपको? 2-5 दिन की बात है, फिर दोबारा बुलाना ही मत, महाराज को ऐसी आफत लेना ही मत। हाँ, इसीलिए तो मैं एक ही बार में ही आपको ऐसा कर जाऊंगा, फिर आप दोबारा बुलाने का मन ही नहीं करोगे। हाँ, तो मुझे उसकी दिक्कत तो है ही नहीं, क्योंकि जयपुर बहुत बड़ा है। तो क्या करना है आपको? मन बनाना, हम थोड़ा थोड़ा संयमी अगर हमारे बीच में आते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा अपने अंदर संयम भी बढ़ाने की कोशिश किया करें, थोड़ा थोड़ा। और वो थोड़ा थोड़ा संयम ऐसे ही बढ़ता है, अपने टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट करो। भाई, हम 8 बजे थोड़ा सा चाय लेते थे, कोई बात नहीं 10 बजे ले लेंगे।
थोड़ा सा अगर हमें 10 बजे तो हमें भोजन करना है और अच्छी बात है, चाय को 4 दिन के लिए लेना ही मत, छोड़ देना, भूल जाना, सीधा डायरेक्ट अच्छा भोजन लेना। समझ आ रहा? अपनी आदत में अगर आपने कुछ सुधार किया तो इन प्रवचनों का लाभ आपको मिलेगा, आनंद मुनि महाराज से आप जुड़ पाओगे, भगवान पार्श्वनाथ की कथा का प्रसाद आपको मिलेगा। और अगर आपने अपनी आदतों में कोई सुधार नहीं किया तो कुछ फायदा नहीं। ये छोटी छोटी सी आदतें हमारी अगर थोड़ी सी संयम के साथ आगे बढ़ती हैं तो हमारे अंदर एक बड़ा चेंज लाती हैं। ये हमने आपसे कल भी कहा था, हर छोटी आदतें जो हमें बिगाड़ती हैं, अगर हम उन्हीं छोटी आदतों पर ध्यान रखते हैं, और वो छोटी सी बातें होती हैं लेकिन वो एक बड़ा डिफरेंस बाद में क्रिएट कर देती हैं। अगर आपके मन में इतना सा आ जाता है, हमारे सामने संयमी मुनि महाराज हैं जो दिन में एक बार ही भोजन करते हैं, हम उनके अपने को भक्त भी कहते हैं, कभी कभी शिष्य भी कह लेते हैं, चेला भी बोलते रहते हैं रात में आकर के, हे गुरु तेरा शिष्य बनू मैं, तेरो चेलो बनू मैं, तेरो भक्त बनू मैं, नास्तिक मुक्ति तो सब कहते रहते हो। लेकिन हम उनके वास्तव में क्या थोड़ा सा शिष्य, कुछ थोड़ा चेला बनने लायक कुछ अपने अंदर चेंज ला सकते हैं? ये विचार अगर हमारे अंदर आता है, एक छोटी सी आदत भी हम अपने अंदर थोड़ी सी भी चेंज करते हैं कि अब हम जब तक मुनि महाराज सामने है तब तक हम भोजन पानी कोई भी नाश्ता तब करेंगे जब मुनि महाराज आहार पर निकल जाएंगे। कोशिश कर लेना, जिनको डायबिटीज की दिक्कत हो बात अलग है, जो स्वस्थ हो वो अपनी स्वस्थता बढ़ाएं। थोड़ा थोड़ा सा भी अगर हमारा ये संयम बढ़ता है तो ये त्याग बढ़ता है, त्याग के साथ जो आपका ब्रेकफास्ट है ना, तो ब्रेकफास्ट भी क्या होता है, जितनी देर तक आपने ये फास्ट करते हुए ब्रेक लगा रखा था उसका अगर हम टाइम थोड़ा सा ड्यूरेशन और बढ़ा देते हैं तो वही हमारे लिए त्याग धर्म में आ जाएगा। समझ आ रहा है? माने आप सुबह 6 बजे उठे, 5 बजे उठे, अगर आपने यह ब्रेकफास्ट का टाइम 8 से 10 पर शिफ्ट कर दिया तो ये 2 घंटे का जो आपका फास्ट है ये फास्ट आपकी धर्म की श्रेणी में गिना जाएगा। और फिर ये 2 घंटे का ये जो फास्ट है ये आपके लिए अपने आप में बड़ा त्याग धर्म होगा, तप भी होगा, और 2 घंटे आपको बड़ा चैन मिलेगा, क्योंकि जो अकिंचन धर्म का पालन करेगा उसी को चैन मिलता है। चैन कब मिलता है? अकिंचन से चैन आता है। अकिंचन माने जो है वो सब मेरा नहीं है, मुझे तो सबसे पिंड छुड़ाना है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो अकेला हूं, मस्त मौला हूं। क्या समझ में आ रहा है? मैं तो अकेला हूं, मस्त मौला हूं। ये जो भाव है इसका नाम है अकिंचन भाव। ये अकिंचन भाव अगर थोड़ी देर सुबह भी बन जाता है, त्याग धर्म का ये भाव आपके साथ जुड़ जाता है, तो आपके दिन भर किसी भी तरह का फिर टेंशन आपको नहीं रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह आपने क्या चख लिया, त्याग धर्म का, अकिंचन धर्म का रस चख लिया। ये भीतरी रस है, ये रस अगर आपके भीतर आने लगेगा तो इससे जो आपको संतोष मिलेगा, इससे जो आपके अंदर एक अमृत का अनुभव आपको लगेगा, वह आपके जीवन का भीतरी धर्म होगा। धर्म इसी तरह से हमारे भीतर से उत्पन्न होता है, और इस तरह का धर्म जब हम करते चले जाते हैं तो हमारे सामने कई ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो हमें धर्म के समय पर धर्म करने के लिए बाधक भी बनती हैं, लेकिन हम अपने ही आत्मविश्वास से उस धर्म को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, आगे करते चले जाते हैं। ऐसा यह त्याग धर्म का, अकिंचन धर्म का बड़ा लाभ होता है। अब जब हम अकिंचन हो जाते हैं तो अकिंचन होने का मतलब यह है कि मेरा कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है? ये भाव भी थोड़ा सा करके देखोगे ना मन में, मेरा कुछ भी नहीं, तो क्या होगा, आपकी टेंशन बढ़ेगी कि घटेगी? बोलो, घटाना चाहते हो टेंशन के बढ़ाना चाहते हो? टेंशन बढ़ाना है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा,
जो उसका है वो भी मेरा, भगवान ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, तो क्या होगा? टेंशन बढ़ेगी। और जिस चीज से आपको टेंशन हो रही है, ये भी छूटे, ये भी छूटे, ये भी छूटे, भगवान कल छूटे सो आज छूटे, तो क्या होगा? टेंशन फ्री। फिर कैसे करेंगे महाराज? अकेले रह जाएंगे। अकेले में ही जिंदगी का आनंद है। क्या सुन रहे हो? नहीं पता? नहीं महाराज, ऐसा नहीं लग रहा। हमारा आनंद तो बच्चों के साथ है, पति के साथ है, भाइयों के साथ है, परिवार के साथ है। उन सबके बीच में भी रहते हुए अगर आप अकेले रहने का अभ्यास करते हैं तो ही आपके जीवन का आनंद है। और अगर आप केवल सारा दिन भर उन्हीं की चिंता में निकाल देते हैं तो आपको अपने जीवन का कोई आनंद नहीं है। समझ में आ रहा है? सबके साथ सबके बीच में रहते हुए भी आपको अपना आनंद कब मिलेगा? जब आप उनसे छूट करके अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। इसी का नाम क्या है? अकिंचन धर्म है। ये अकिंचन धर्म का पालन करने के लिए ही तो साधु परमिष्ठी होते हैं। किस लिए होते हैं? उन्हें किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं, और इसी कारण से वह अपने अंदर हमेशा अकिंचन भाव को धारण किए रहते हैं। और उस अकिंचन भाव को तभी धारण किया जा सकता है जब हम त्याग भाव के साथ हों। समझ रहे? अभी कल नहीं परसों कोटा के कुछ बच्चे आए थे, पाठशाला के बच्चे। तुम्हारे यहां तो पाठशाला होती नहीं, तुम्हारा तो नाम ले नहीं सकते। तो कोटा से पाठशाला के बच्चे आए, और उन बच्चों ने थोड़ा सा बैठ करके कुछ एक तरह से इंटरेक्शन भी किया, डिस्कशन भी किया। तो एक बच्ची ने पूछा, महाराज कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं आपस में बैठे हुए कि तुम्हारे साधु, तुम्हारे महाराज नग्न क्यों रहते, कपड़े क्यों नहीं पहनते? उस बच्ची ने प्रश्न किया, सिक्स क्लास की बच्ची थी वो। तो उसने जब प्रश्न किया तो अब मुझे उसको समझाना तो पड़ेगा ही, नग्न क्यों रहते हैं, कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं। तो मैंने उससे कहा कि देख, दो बातें हैं। पहली बात, तुम भी याद रखो और अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि हमारे जो साधु हैं, जो दिगंबर साधु होते हैं, वो सर्वस्व त्यागी होते हैं। क्या? सर्वस्व। सर्वस्व का मतलब जो कुछ है वो सब कुछ छोड़ देते हैं, जो छूट नहीं सकता है बस उसी को अपने पास रख सकते हैं और कुछ नहीं, जो छूट सकता है सब छोड़ देते हैं। क्या क्या छूट सकता है? जो जो छूट सकता है सब छोड़ देते हैं, यहां तक कि अपने बाल भी अगर उन्हें अपने हाथ से छूट जाते हैं तो वो अपने बाल भी अपने हाथ से छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। अब शरीर को तो नोच के फेंक नहीं सकते। तो जो उनके पास सबसे ज्यादा त्याग होता है, वो त्याग होने के कारण से ही उन्हें सर्वस्व त्यागी कहा जाता है। और सर्वस्व त्यागी जो होंगे उन्हें कपड़े पहनने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि सब कुछ छोड़ देना है। बाहर भी छोड़ देने हैं, भीतर भी छोड़ देना है, और जब आप बाहर छोड़ देंगे तो भीतर भी छूट जाएगा। तो पहली बात तो ये कि साधु कैसे होते हैं? सर्वस्व त्यागी होते हैं, माने सब कुछ, अधिक से अधिक जो त्याग किया जा सकता है उस त्याग का अगर कोई उदाहरण है तो वह ये साधु होते हैं। बस ये बता देना। त्याग धर्म उत्कृष्ट रूप से कहां मिलेगा? तो बस जहां मिले उसी का नाम है दिगंबर मुनि महाराज। न घर, न मोबाइल, न पता, न ठिकाना, है ना, न मम्मी, न पापा, न भाई, न बहन, कुछ नहीं। सब कुछ छोड़ने के उपरांत कपड़े, वस्त्र, सब कुछ, आभूषण, सब कुछ छोड़ने के उपरांत जो कुछ भी आपके सामने भेस आएगा उसका नाम ही दिगंबर भेस कहलाता है। तो ये दिगंबर भेस क्यों रखा जाता है, क्यों ये रहते हैं? तो इसका सबसे पहला कारण क्या है? उन्हें इस संसार की सारी चीजों से मोह छूट जाता है,
वह संसार के किसी भी तरह के विषय वासनाओं से अपने को जोड़ना नहीं चाहते, वो अपने आप को त्याग की सर्वोत्कृष्ट श्रेणी में लाना चाहते हैं, और सर्वस्व त्यागी बनने का उनके अंदर जब ये विचार आता है तो वह इस तरह से दिगंबर रूप को धारण कर लेते हैं। पहली बात तो ये है, आपकी समझ में आ गई? समझा दोगे बच्चों को? समझा देना। दूसरी और बात क्या थी वो भी बता देता हूं। दूसरी बात, उस बच्चे से कहा मैंने, देखो बेटा जब अपन जन्म लेते हैं तो कैसे होते हैं, कौन से रूप में होते हैं? बच्चा जन्म लेता है तो नेगेटिव होता है, जब लास्ट होता है अर्थी पर रख दिया जाता है, उस समय पर जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तब कैसा होता है? तब भी वह इसी रूप में होता है। तो बेटा आया नंगा गया नंगा, बीच में एक काय का दंगा, अपना मन रखो चंगा। और इस तरह का ये रूप अगर आपने धारण कर लिया तो आपका मन अपने आप चंगा बना रहेगा, क्योंकि आपके मन को किसी की कोई चिंता नहीं होगी। इसलिए दिगंबर मुनि महाराज कपड़े नहीं पहनते हैं। ये दो बातें उन्हें बता देना अपने फ्रेंड्स को, इतना ही पर्याप्त। क्या ये हम चीजें समझ नहीं सकते? क्या इन चीजों को हम एक्सप्लेन अपने बच्चों के सामने नहीं कर सकते? अगर हम यही बच्चों को नहीं समझा पाएंगे, यह भी छोटी छोटी सी बातें बच्चों को नहीं बताएंगे, तो बच्चों के अंदर जो प्रश्न रहेगा उस प्रश्न का समाधान कैसे होगा? वह समाधान होने पर ही उनके चित्त में श्रद्धान उत्पन्न होता है। जब तक समाधान नहीं होता तो श्रद्धान नहीं होता। इसलिए बच्चों के शंकाओं का, बच्चों के डाउट्स का समाधान करना जरूरी है। वो अगर समाधान उनके अंदर हो जाता है तो उनकी श्रद्धा अपने आप बन जाती है, और जब एक बार उनकी इस तरह से श्रद्धा जम जाती है तो फिर उनकी श्रद्धा कभी भी जीवन पर्यंत कभी भी डगमगाती नहीं है। ऐसा विचार जब आ जाता है तब आपके अंदर भी लगेगा कि हम बच्चों को हर वह चीज धर्म की लॉजिकली समझाएं, और जब हम इस तरह से बच्चों को धर्म को लॉजिकली समझाएंगे तो बच्चे धर्म को भीतर से एक्सेप्ट करेंगे और उसको पूरा जीवन भर उसका श्रद्धा के साथ में अनुसरण भी करेंगे। कभी हम समझाते हैं बच्चों को, बच्चों धर्म अपना कौन सा है? त्याग धर्म है। ये जो दुनिया की मोह माया को हमने ग्रहण कर रखा है ये अपना धर्म नहीं है। धर्म तो क्या है? त्याग धर्म है। लेकिन आपको डर लगता है अगर हमने बच्चे को कहीं समझा दिया और उसकी कहीं समझ में आ गया तो फिर बच्चा बोलो फिर तो मम्मी को मम्मी भी नहीं कहेगा, कहीं मम्मी का ही त्याग कर दिया, पापा का ही त्याग कर दिया। तो इसलिए हम बच्चों को कभी सच्चाई बताते नहीं है। हर मम्मी पापा अपने बच्चे से इसी तरह से छल करते हैं, और हर मम्मी पापा बच्चे को जिंदगी भर मोह में गाफिल रखना चाहते हैं। सही बात सुनने में ना आ जाए, समझने में ना आ जाए, ये सही जानकारी जब बच्चे को नहीं दी जाती तो उसी का यह परिणाम निकलता है कि जीवन में बच्चे तो होते हैं, बड़े तो होते हैं, लेकिन वह सही ढंग से भीतर से संस्कारित नहीं होने के कारण से सही समय पर जो धर्म के प्रोग्राम होते हैं उनमें शामिल नहीं हो पाते हैं, और उनके सामने बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण चीजें उनके सामने से निकल जाती हैं। उनके सामने ये श्रद्धान भीतर से नहीं आने के कारण से वह हर क्रिया को अपने आप में एक ढकोसला समझने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें आपने भीतर से कभी धर्म की सच्चाई बताई नहीं। और ये नहीं बताना ये आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। आपका डर है, उनका डर नहीं है। और ऐसा होता नहीं है कि अगर हम उन्हें कुछ सच्चाई बता देंगे तो वो बहुत जल्दी कुछ विरक्त हो जाएंगे या घर छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको डर लगता है कि हम बच्चे को बताएं बेटा धर्म क्या है? त्याग धर्म है, अकिंचन रहना धर्म है, सब कुछ करके भी अपने मन पर कोई टेंशन नहीं लेना कि मैंने कर दिया, ये मेरी बिल्डिंगें हैं, ये मेरी जमीनें हैं, ये मेरी जायदादें हैं, ये मैंने कर दिया,
ऐसा जो टेंशन लिए रहते हैं ये अकिंचन नहीं हो सकते, और जो अकिंचन नहीं हो सकते वो मूर्छा में पड़े हुए पाप का बंद करेंगे और यहां पर भी रोएंगे और फिर नरक गति में जाकर के भी रोएंगे। क्या हम बच्चों के नहीं सिखा सकते? धन तो कमाना, अच्छी प्रतिष्ठा भी पैदा करना, जमीन जायदाद भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इनसे अपना लगाव मत रखना, इनके पीछे मरना नहीं, इनसे अपना मन ऊपर उठा करके रखना। और इसी की वजह से आप लोग रोते हैं, आप लोगों का जीवन कोई भी थोड़ा सा लॉस हो जाता है तो फिर रोते रोते बीतता है, और इसी की वजह से आपके बच्चे भी रोते हैं क्योंकि उन्होंने ये चीजें कभी सीखी ही नहीं कि हमें क्या सिखाना चाहिए था। हमारा धर्म तो अकिंचन है। अरे भाई थोड़ा बहुत लॉस हो गया तो क्या हो गया, हम मर गए कि हम मिट गए? अरे हम तो हैं ही हैं। कोई प्रॉपर्टी थी, बिक गई किसी कारण से, कुछ हो गया, लॉस हो गया, लोन नहीं चुका पाए, कुछ नुकसान हो गया, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है? जब तक हम इस तरह का अकिंचन भाव अपने मन में नहीं लाएंगे तब तक हम आज की परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए अपने को तैयार नहीं रख पाएंगे। बच्चों के सामने अगर आपने ऐसे संस्कार नहीं दिए, ये संस्कार उनके अंदर नहीं आए, सच्चाई का ज्ञान उन्हें नहीं हुआ, तो समझना आपने बच्चों से बहुत बड़ा छल किया है और आप छल कर रहे हैं। बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? बेटा जीवन तो अकिंचन के साथ गुजारो, सब कुछ हो फिर भी मेरा कुछ नहीं तो जीवन जीने का मजा है। जीवन को ब्रह्मचर्य के साथ गुजारो। ब्रह्मचर्य का मतलब, अगर हमने बच्चों को शुरू से ब्रह्मचर्य की दो लाइनें सिखा दी होती, बेटा अपने से बड़ी स्त्री को मां की तरह देखना, अपने से छोटी स्त्री को अपनी बेटी की तरह देखना, अपने से बराबर स्त्री को बेटा अपनी बहन की तरह देखना, अगर ये देखने की दृष्टि बेटे के अंदर संस्कार के रूप में आ गई होती, आ जाती, तो कहीं पर कोई भी उपद्रव वह बेटा कभी भी किसी भी स्थान पर कर नहीं सकता जीवन में। लेकिन ये चीजें ना हम लाना चाहते हैं अपने अंदर, और ना हम बेटों को सिखाना चाहते हैं, ना बेटियों को सिखाना चाहते हैं। हम भी मस्त रहें, वो भी मस्त रहें। अब तो ऐसी ऐसी मम्मियां मिल गई मुझे, मतलब आज के जमाने की मम्मियों की बात कर रहा हूं। हाँ, आज के जमाने की मम्मियों की आज की अवधारणाएं आपको बता रहा हूं। ऐसी ऐसी मम्मियां मिलती हैं मुझे, हाँ, जो कहती हैं बेटे से, बेटियों से कहती हैं, ठीक है तुझे क्या करना है, तुझे कभी कहीं जाकर के शौक करना है कर ले, तुझे क्या करना है, कोई ड्रिंक करना है कर लेना मुझे बता देना, तुझे स्मोक करना है कर ले मुझे बता देना। ये थिंकिंग हो रही है अब आजकल के मम्मियों की। जब ऐसी मम्मियां पैदा हो गई तो फिर अब क्या कहना है, बल्ले बल्ले, समझ आ रहा है? ये मम्मियों की बात मुझे बेटे बेटियां बता रहे हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे कह रखा है, मेरे पापा ने मुझे कह रखा है, हाँ तुझे जब जिस होटल में जाना हो चले जाना, तुझे जब जो से बार में जाना हो चले जाना, तुझे जब जो पीना हो पी लेना, जब जो जो कुछ करना हो कर लेना, तुझे लिए पूरी छूट है। ये आजकल इतनी फ्रीडम दे रहे हैं मम्मी और पापा, किसके लिए? मेरा बच्चा, मेरा पैसा, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, मैं अपने बच्चों को कैसा भी करूं, उनसे अगर कुछ कहो तो ये और सुन लो, मैं क्यों कहूं भाई, कल गिरो कुएं में आज गिरो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मेरा तो काम सभा में उपदेश देने का है। अगर आप इंडिविजुअल हमारे पास आकर के इस तरीके से नहीं सीख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, इतना भी अगर आपका विवेक ज्ञान काम नहीं कर रहा है तो ऐसे लोगों से तो धर्म का क्या, समाज का क्या, खुद का क्या, किसी का भी भला नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? और इस दिशा में आप सब लोग आगे बढ़ रहे हो, कम नहीं हो आप लोग, नहीं क्या? नहीं है? बताओ, जब आपके घर में बहू गर्भवती होती है तो उस समय पर कोई उसके लिए आप कुछ बताते हो कि बेटा किस चीज से बचना है, क्या तुझे देखना है, क्या करना है, कोई अवेयरनेस होती है? बताओ,
आप कहते हो जन्म के बाद बच्चों के संस्कार पढ़ते हैं, बच्चों के संस्कार तो आचार्य कहते हैं गर्भ से ही पढ़ते हैं। हम कितने कल्याणक मनाते तीर्थंकरों के, तो सबसे पहला कल्याणक कब होता है? तो गर्भ में ही तो सारा संस्कार होता है, और वो कल्याणक दो दिन का होता है। गर्भ की इतनी अच्छी व्यवस्था गर्भ संस्कारों की जैन आचार्यों ने बताई, और हम गर्भ में बच्चा आने के बाद भी किसी भी तरह से कोई अवेयर नहीं होते हैं। हमें जो घूमना है घूम रहे हैं, जिससे जिस तरह की चैटिंग करनी कर रहे हैं, जो हमें फिल्में देखना है देख रहे हैं, जो हमें सीरियल का ऐसे एंजॉय करना है कर रहे हैं, हमें कहीं किसी भी चीज से कोई चिंता पड़ी नहीं है। समझ आ रहा है? फिर कहते हैं बच्चा, महाराज हमने तो उसे बहुत संस्कारित किया था, जन्म से होने के बाद हम उसे मंदिर ले गए थे, फिर भी अब ये जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, इसका मन तो टीवी देखने में लग रहा है, मोबाइल देखने में लग रहा है, इसका मन तो घूमने फिरने में लग रहा है, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो जिस समय पर बच्चा आपके गर्भ में था आप कंट्रोल में थे कि नहीं? जब आप कंट्रोल में नहीं थे तो बच्चा कैसे कंट्रोल में हो जाएगा? केवल मंदिर ले जाने से ही बच्चे में संस्कार आ जाते क्या? संस्कार तो गर्भ के समय पड़ते हैं। इसलिए आने वाले पंच कल्याणक में हर मां को बेटी को यह देखना चाहिए कि भगवान की मां के लिए वह गर्भ कल्याणक कैसे मनाया जाता है। शायद उनकी अंतरात्मा में कुछ परिवर्तन हो जाए तो ऐसी भी क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाए कि आपके गर्भ में भी कोई ऐसे महान पुत्रों का जन्म हो जाए। समझ आ रहा है? ये संस्कार लेना चाहिए, और इन्हीं संस्कारों के लिए ये कल्याणक आते हैं। जन्म कल्याणक आए तो जन्म कल्याणक पर बच्चे को जन्म के संस्कार देने के लिए उसे कुछ नहीं तो जो तीर्थंकर बालक है उसके सामने क्या गतिविधियां होती हैं, कैसे तीर्थंकर बालक के वह जन्म कल्याणक मनाए जाते हैं, इसके बारे में उसे सामने सामने देखने को मिले, सुनने को मिले, तो इससे उसके अंदर संस्कार बदल सकते हैं। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? मतलब की बात तो सुनते ही नहीं आप। जन्म कल्याणक में बच्चे के लिए कहां ले जाना? हमने सुना है कुछ ऐसे आजकल स्थान बन गए बेबी शॉवर। हाँ सुनता तो सब रहता हूं मैं। तुम्हें लोग करते हो, तुम्हें लोग बताते हो क्या करते हो वहां पर ले जा करके? बोलो क्या करते हो? वहां पर पहुंच करके आपके बच्चों के ऊपर संस्कार क्या पड़ेंगे? अगर वहां पर उस सोवर से आपने बहुत सारे फूल भी डाल दिए उनके ऊपर, तो क्या बच्चा आपका फूल की तरह कोई भगवान बन गया क्या? क्या हो जाएगा उससे? संस्कार तो आपको कहां डलवाने चाहिए थे? अरे आप मुनि महाराज के पास आते, मुनि महाराज के पास दर्शन कराने लाते, मुनि महाराज के हाथ का स्पर्श उसके माथे पर करवाते, उससे चावल लेकर के गंधोदक लेकर के मुनि महाराज से लगवाते, तो ये कुछ बच्चे के ऊपर संस्कार की बात होती। आप उसे कहां लेकर के चले गए? सुन रहे हो तुम सब बिगड़े हुए लोगों, वो तुम्हें फंस गया तुम्हारे चक्कर में। हाँ लेकिन मैं समझ रहा हूं कि बिगड़ों को ही सुधारा जाता है, और बिगड़ों को ही सुधारना हमारा काम है, इसलिए मैं खुशी खुशी आया हूं, खुशी खुशी जाऊंगा। सुन रहे हो? थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाओ। कल भी आपसे कहा था दुनिया में असंयम बहुत है, अगर हम उस हर एक असंयम को अपना स्टैंडर्ड बनाएंगे तो हमारा धर्म हमारे संस्कार सब मिटते चले जाएंगे। हमें वह चीज समझना है जहां पर जाने से बच्चे के लिए ये सीखने को मिले कि यहां पर आकर के हमारे लिए कौन सा संस्कार मिला, और ये संस्कार अगर बच्चे के अंदर पड़ते रहेंगे तो ही वो बच्चा आगे चल करके काम में आएगा। इसलिए जो संस्कार का कार्य आगे होने वाला है ना मोक्ष कल्याणक के दिन, उसके लिए अपने बच्चों को, चाहे वो बाहर भी रह रहे हों, बच्चों के भी बच्चे हों, उनको पहले से ही इन्वाइट करके रखना, ताकि उन बच्चों का एक बार संस्कार हो सके। और इस राजस्थान में अभी तक शायद ही ऐसे कोई कार्यक्रम हुए नहीं, होते नहीं, एक बार इस राजस्थान में संस्कार की भी प्रक्रिया शुरू हो, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों में इस तरह से धर्म का भाव बना रहे। चाहते हो कि नहीं? सब मुड़ी तो हिलाते हैं, ऐसा लगता है सब पिए बैठे हों।
सबके मन के अंदर ऐसा उत्साह होना चाहिए कि हाँ महाराज ये कार्य बहुत अच्छा है, ये कार्य हम करेंगे और इस कार्य में हम अपना जो कुछ भी हमारे आसपास बच्चे हैं लोग हैं उन सबको हम बताएंगे करेंगे, ऐसा तो कोई कह ही नहीं रहा। क्यों बोलो, कितने लोगों के यहां बच्चे हैं और वो लेकर के आएंगे? ओफो क्या हो रहा है ये दुनिया में, क्यों क्या हो गया तुम लोगों को? इतने से बच्चे तुम लोगों के, कहीं बच्चे ही बच्चे नहीं बचे हो? तब तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा, अब तो फिर मुझे वही करना पड़ेगा जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा, वो कौन नायडू और एक वो स्टालिन है, इन लोगों ने कह रखा है जिनके दो या दो से ज्यादा बच्चे होंगे वो ही चुनाव लड़ेंगे। समझ आ रहा है? आगे आने वाले समय में मुझे भी कुछ ऐसा नियम बनाना पड़ेगा कि जिनके दो या दो से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हीं के घरों में हार लेने जाऊंगा। आखिर क्या हो रहा है ये सब? सबको अपनी अपनी जनसंख्या की आबादी की चिंता पड़ी है। एक जैन लोग ही हैं जो बिल्कुल चुपचाप सुनसान बैठे हैं, ये बिल्कुल चाइनीज बनते चले जा रहे हैं। और दुनिया में सब भारतीय लोगों के अंदर सब अपनी अपनी संस्कृति अपने अपने वोटर बढ़ाए चले जा रहे हैं और तुम्हें कोई चिंता नहीं पड़ी? भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर भगवान तक के क्षत्रियों का ये जो धर्म था वो सारा का सारा धर्म आपके द्वारा मिटता चला जा रहा है, आपको कोई चिंता नहीं कहीं से कहीं तो? अब ऐसा नियम बनाऊं मैं फिर? बोलो कौन सा नियम? जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ये नियम बना सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि अब उनको तो, जैसे मैं अगर अपनी तरफ से अलग से कहता तो लोग कहते ये तो महाराज पढ़े लिखे नहीं है, इतनी आबादी होने के बावजूद भी ऐसा नियम बना रहे हैं। अब उनके ऊपर कोई उंगली उठाए? और उसको तो सब लोग अच्छे कहेंगे और खास तौर से बीजेपी के लोग जो सनातन धर्म के लोग हैं वो सब अच्छा कहेंगे, हाँ अच्छा कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? वहां उन्हीं वोटरों की जरूरत है इसलिए वो कर रहे हैं, तो यहां पर भी कुछ जरूरत है कि नहीं? हमें भी जरूरत है कि नहीं कि यहां पर भी जैन धर्म के लोग कभी सांसद बने, कोई लोकसभा में पहुंचे, कोई राज्यसभा में पहुंचे, कोई कलेक्टर बने, कोई जज बने, कोई अच्छे पदों पर प्रतिष्ठित हों, कोई आर्मी में भी जाएं, ऐसे लोगों की यहां पर भी जरूरत है कि नहीं? कि सब वो आईटी करके ही सब अपनी जिंदगी निकाल डालेंगे उन्हीं लैपटॉपों पर और कंप्यूटरों पर? ये सब अगर आप लोग समय पर नहीं चेतेंगे तो हो सकता है कि मुझे भी कभी एक्शन लेना पड़े। कौन सा नियम? हाँ नियम तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि चौकों में भीड़ बहुत होती है, तो कुछ छटनी इसी से ही हो फिर, और एक मैसेज भी अच्छा जाएगा। बताओ आप लोग एग्री हो जाओगे अगर मैं ऐसा मैसेज निकालूं? तैयार हो जाओगे? यूं तो नहीं कहोगे कि महाराज इतनी बड़ी पॉपुलेशन में भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, महाराज अनलिटरेट हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, ऐसा तो नहीं बोलोगे? पहले पूछ लूं आपसे, जब एक सीएम इस तरह से कह सकता है, जज साहब बैठे यहां पर रिटायर्ड, क्यों कोई कानून तो नहीं बनेगा ऐसा? पूछ ले। सबसे अच्छा होगा, जैनों की आबादी सबसे कम हो रही है, सबसे कम संख्या होती चली जा रही है और धर्म की क्वालिटी दोनों गिरती चली जा रही है। आखिर क्वालिटी भी तो कब बनेगी? जब कोई क्वांटिटी होगी तब तो क्वालिटी बनेगी। अभी सीएम के साथ में जब इधर भट्टारक की नसिया में सीएम आए थे ना, उन्हीं के साथ में वो आए थे बाबूलाल सर, संघ संचालक हैं वो, समझ आ रहा है ना? तो मतलब इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उन्होंने ये बात बोली कि हिंदुओं को अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जैनियों को भी अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए? वोट भले ही बीजेपी में देना तुम, हमें चिंता नहीं है उसकी, चाहे किसी में दो, लेकिन जब सर संघ के लोगों को चिंता हो रही है, संघ संचालक आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे सामने क्वांटिटी नहीं होगी तो क्वालिटी हम कहां से लाएंगे, तो बिल्कुल सेम चीज तो आपके साथ होनी चाहिए। जब क्वांटिटी नहीं होगी तो क्वालिटी कहां से आएगी? तो आप लोगों को भी ये विचार करना है और इस विचार के साथ ही आगे बढ़ना है। दुनिया में लोग वो नहीं सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, दुनिया में लोग वो सोच रहे हैं जो उन्हें अपने धर्म के हिसाब से, अपने पंथ के हिसाब से, अपनी कास्ट के हिसाब से हितकर लग रहा है और उसका वो प्रचार कर रहे हैं।
समझ आ रहा है? तो आपको भी उसी तरह से उनके साथ ही चलते हुए उन्हीं की तरह सोच आपको भी बनानी पड़ेगी। क्या समझ में आ रहा है? बोलो क्या करोगे? दो या दो से ज्यादा है ना, तभी होगा आपको चौके का फायदा। समझ में आ रहा है? ये जब आप अपने मन के अंदर विचार बना करके चलोगे तभी धर्म की संख्या और क्वालिटी दोनों बढ़ेंगी। जब देश विदेश में भी इस तरह का प्रचार चल रहा है और अपने प्रदेशों में भी इस तरह से लोग कर रहे हैं, और जब इस तरह से आरएसएस के लोग भी इस तरह से मैसेज दे रहे हैं, तो आप क्यों ज्यादा सिविलाइज्ड बने हुए बैठे हुए हैं? सारी दुनिया की चिंता केवल आपने ही ले रखी क्या? बोलो, भूल नहीं रहे हो? हिंदू धर्म की संख्या बढ़ रही है, दूसरा इस्लाम धर्म की संख्या तो बढ़ी हुई है ही है, अब जैन धर्म के धर्मावलंबियों की संख्या अगर बिल्कुल नहीं होगी तो क्या होगा, ये आप विचार कर लो। अहिंसा की संस्कृति को बनाए रखने वाले कौन? 10 धर्मों की क्षमा से लेकर के ब्रह्मचर्य तक की 10 धर्मों की संस्कृति को बनाए रखने वाले कौन? वीतराग दिगंबरत्व सर्वज्ञत्व के साथ में अपनी भगवत सत्ता को प्रभु मानने वाले लोग कौन? अगर ये सब आदर्श हमारे सामने नहीं होंगे तो आपके धर्म की वृद्धि के बिना कभी भी आप धर्म को आगे बढ़ाने वाले नहीं कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? तो जिनको आ सके उनको समझाना, जिन्होंने सुन लिया उन्होंने तो सुन ही लिया, जिन्होंने नहीं सुना उन्हें भी सुनाने की कोशिश करना। ये चीजें अब गलत नहीं है जिन्हें आप गलत समझ रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री, समझ आ रहा है, आरएसएस के लोग, ये सब लोग आज इस बात के लिए कह रहे हैं कि हमें अपने आदर्शों को, हमें अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए संख्या को, संख्या बल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बिना संख्या बल बढ़ाए हुए आपके लिए कभी भी उसमें से अच्छी क्वालिटी वाले लोग निकल नहीं सकते हैं। समझ आ रहा है? क्वालिटी का तरीका यही है। कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं होता है, आम का कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं होता है कि उस पर जितने भी बोर लगती है सारे आम बन जाते हैं। समझ आ रहा है? जब हजारों टूट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तब उसमें कुछ आम लगते हैं। अगर आपने एक आम बोने के लिए, एक आम पाने के लिए एक आम का पेड़ लगाया होगा तो कभी आपको ना एक आम मिलेगा और ना कभी आपके लिए एक आम के पेड़ पर एक आम आ सकता है। समझ आ रहा है? तो जिनका ये विचार बना हुआ है कि बस एक आम, एक घर में एक दाम, एक लड़का एक लड़की, जिनका ये विचार बना हुआ है वो देश धर्म समाज के लिए कुछ भी करने का उनके लिए विचार नहीं है, वो सिर्फ अपना मोह बढ़ाने का उनका विचार है। तो आप सब लोग इस तरह की सतर्कता रखें, और ये सतर्कता आज धर्म की वृद्धि के लिए जरूरत है। त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये सब धर्म हमारे लिए आवश्यक हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि हमने एक बच्चा किया तो हमने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया। समझ आ रहा है? थोड़ा सा बोल दूं, सुन लोगे, बुरा तो नहीं मानोगे? अगर आपने जीवन पर्यंत तक काम सेवन किया और एक बच्चा किया तो मैं समझता हूं आपने दुनिया में सबसे ज्यादा पाप कमाया। पहले के लोग जीवन में काम सेवन करते थे, जीवन में तो जीवन में उनके पास में 5-5, 10-10 बच्चे होते थे, इसलिए वो पापी नहीं होते थे, कामी नहीं होते थे। आज के लोग पापी हैं, कामी हैं, क्योंकि काम सेवन तो करते हैं लेकिन पुत्र उत्पत्ति से डरते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब यह नहीं है कि पुत्र नहीं करना।
ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है कि हम ऐसे संतान को जन्म दें जो ब्रह्मनिष्ठ हो। हमारे ब्रह्मचर्य के तेज से वह संतान में भी ब्रह्मचर्य पालन करने का विचार आए, तो जिस तरह से हम तेजस्वी संतान को अपने ब्रह्मचर्य पालन से बना पाते हैं, इसी तरह से वह संतान भी अपने तेजस्वी से आगे भी अपनी संतति को बनाएगी। यह ब्रह्मचर्य होता है। एक पूर्ण ब्रह्मचर्य होता है और एक आंशिक ब्रह्मचर्य होता है। तो गृहस्थों का यही आंशिक ब्रह्मचर्य होता है। जब तक वह काम सेवन नहीं करते तब तक ब्रह्मचर्य से रहते हैं, और जब उन्हें काम सेवन करना होता है तो फिर वह पुत्र उत्पत्ति के लिए ही वह काम सेवन करते हैं। इसी का नाम गृहस्थों का ब्रह्मचर्य कहा गया है। ये सीखा है कि नहीं? कुछ नहीं सीखा, कुर्सी पे बैठना सीखा कुछ नहीं सीखा, बैठी पीना सीखा कुछ नहीं सीखा। चलिए इन चीजों को भी सीखने की कोशिश कीजिए। और कल से आचार्य गुरुदेव के क्या चिंतन है? आचार्य गुरुदेव ने अपने जीवन भर जो समाज के लिए किया, संघ के लिए किया, उसे विद्वानों के लिए हमने अलग अलग टॉपिक दिए हैं, उन सब पर विचार करके विद्वान लोग आएंगे। आप लोग देखना सुनना कि विद्वान लोग आचार्य महाराज के बारे में किस तरह से क्या शोध पत्र लेकर के आते हैं और वह क्या बाप के लिए सामने रखते हैं। इन सब विचारों से अवगत होने का मौका भी आप महावीर नगर वालों को ही मिला है ना? तो कल से आप लोग 8 बजे तो नहीं, कितना? हाँ, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा और थोड़ा हमें भी सुनना ही ज्यादा होगा, बोलना तो हमें कम पड़ेगा, है ना? क्योंकि विद्वान बोलेंगे तो हम भी सुनेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बीच बीच में हमें भी बोलने की पूरी इजाजत रहेगी क्योंकि सभा अपनी ही होगी। तो कोई भी तरह की अगर बात होती है तो उसमें उस बात को संभालने का भी अपने पास में पूरा अधिकार होता है। इसलिए आप लोग कल से एक नए भाव में रहेंगे और विद्वानों के माध्यम से आचार्य गुरुदेव की जो गुणगान करने का हमने यहाँ पर एक प्रायोजन बनाया है उसमें भी आप लोग पूरा तरीके से सम्मिलित होंगे। बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।